दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 16 सितंबर 2022 शुक्रवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पांच विभागों में बम्पर वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री पास के लिए भी यहाँ पर सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन पांच विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 16 सितंबर 2022 की पांच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पटवारी या सेटलमेंट पटवारी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और जूनियर लाइब्रेरियन की बात अगर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की जाए तो पोस्ट वाइज आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से पूरी वैकेंसीज की डिटेल चेक कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट होगी 20 सितंबर 2022 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 अक्टूबर 2022 है। सेली मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए 35,600 से 1,12,800 है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 35,400 से 1,12,400 है। पटवारी या सेटलमेंट पटवारी और जूनियर लाइब्रेरियन के लिए 25,500 से 81,100 है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए 35,800 से 1,13,200 से ली प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 10वीं पास प्लस ITI डिग्री डिप्लोमा से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 40, 42, 43 और 48 वर्ष है। एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए ₹500 है। SST PWD EWS कैंडिडेट्स के लिए ₹400 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जॉब लोकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी jkssb.nic.in, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है समग्र शिक्षा अभियान में। SSA लद्दाख के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर इसमें वार्डन, फुल टाइम टीचर, फुल टाइम अकाउंटेंट, हेड कुक, असिस्टेंट कुक, सपोर्टिंग स्टाफ, चौकीदार, स्वीपर और स्कैवेंजर की बात अगर यहाँ पर टोटल वैकेंसीज डिटेल की जाए तो 194 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 सितंबर 2022 है। सेली वार्डन, फुल टाइम टीचर और फुल टाइम अकाउंटेंट के लिए 20,000 है। हेड कुक, असिस्टेंट कुक, सपोर्टिंग स्टाफ, चौकीदार, स्वीपर, स्कैवेंजर के लिए ₹10,000 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल की अगर बात करें तो वार्डन, फुल टाइम टीचर, फुल टाइम अकाउंटेंट, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। हेड कुक, असिस्टेंट कुक, स्वीपर और स्कैवेंजर के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार के लिए 10वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 40 और 45 वर्ष, अलग अलग पोस्ट के लिए फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। लद्दाख जॉब लोकेशन है leh.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें नेक्स्ट थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। यहाँ पर यह भर्ती होगी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के माध्यम से। 327 वैकेंसीज निकली हुई है। बात अगर डेट की जाए तो आवेदन इस भर्ती के लिए 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 अक्टूबर 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 4 अक्टूबर 2022 है। एग्जाम की डेट 19 फरवरी 2023 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सेली डिटेल की जाए तो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है।
जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। upsc.gov.in और upsconline.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है लीगल असिस्टेंट या लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की। 55 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। आवेदन इसके लिए 7 सितंबर से चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 23 सितंबर 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो 20,000 रुपये है प्रति माह के लिए। लॉ डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट है mpsc.gov.in, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस में। पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट रिसर्च एसोसिएट GRF जूनियर रिसर्च फेलो या SRF सीनियर रिसर्च फेलो की। 165 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 अक्टूबर 2022 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड के लिए 78,000 रुपये सैलरी प्रति माह के लिए है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड के लिए 67,000, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट के लिए 56,000, रिसर्च एसोसिएट के लिए 47,000, GRF के लिए 31,000, SRF के लिए 35,000 है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट PhD से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 28, 35, 40 और 45 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। incoach.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 16 सितंबर 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।